भारतीय अर्थव्यवस्था में अधिकतर लोग इन्वेस्ट करने के लिए या तो बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट्स को प्राथमिकता देते हैं या फिर जो लोग जोखिम उठाना चाहते हैं वो शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड की ओर रुख कर लेते हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त सरकार भी समय समय पर लो रिस्क इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं लाती हैं। इसी प्रकार की योजनाओं में एक है PPF, यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट करना। PPF एक सुरक्षित और टैक्स बचाने वाली दीर्घकालीन निवेश योजना है। PPF की ब्याज दरें 8% के आसपास रहती हैं और इसकी मैच्योरिटी पीरियड 15 वर्ष होती है। पोस्ट ऑफिस या बैंक में सामान्य KYC डॉक्यूमेंट्स देकर PPF अकाउंट खोला जा सकता है। PPF में इन्वेस्टमेंट करना ज्यादातर लोगों के लिए एक बेहतरीन निर्णय होता है, क्योंकि यह अच्छा रिटर्न देने के साथ साथ सबसे अधिक सुरक्षित सेविंग स्कीम मानी जाती है। आइए PPF निवेश के बारे में और अधिक जानते हैं। PPF सरकार की ओर से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए चलाई गई योजना है। यह बचत योजना EEE कैटेगरी में रखी गई है। इसका अर्थ यह है कि इस सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट करने पर आपको निवेश प्रक्रिया शुरू करने से लेकर अंत में रिडेम्पशन के समय तक कहीं भी और किसी भी स्तर पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। इस बचत योजना की शुरुआत भारत सरकार द्वारा 1968 में अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में लगे कर्मचारियों के लिए शुरू की गई थी। उस समय इन कर्मचारियों के लिए पेंशन और EPF आदि की सुविधा नहीं थी। उस समय लोगों के पास ऐसा कोई साधन भी नहीं था जिससे वो रिटायरमेंट के बाद किसी भी इन्वेस्टमेंट की लमसम राशि को प्राप्त कर सकें। तब सरकार ने PPF सेविंग स्कीम को शुरू किया। लोग इस स्कीम की ओर अधिक से अधिक आकर्षित हो सके इसके लिए इस स्कीम को टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट के रूप में प्रचारित किया गया। सरकार द्वारा शुरू किया गया PPF लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जिसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अपनी आय का एक हिस्सा एक खाते के जरिए इन्वेस्ट कर सकता है, इसे ही PPF अकाउंट कहते हैं। आप PPF अकाउंट को पोस्ट ऑफिस या फिर किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक, पब्लिक बैंक या फिर चुने हुए कुछ प्राइवेट बैंक्स में खोल सकते हैं। आजकल तो आप ऑनलाइन भी इस खाते को खोल सकते हैं। यह एक सिंगल अकाउंट होता है जो कोई भी व्यक्ति अपने या अपने बच्चों के नाम से खोल सकता है। PPF अकाउंट की अवधि यानी लॉक इन पीरियड 15 वर्ष की होती है। इसके बाद भी अगर कोई चाहे तो 5 वर्ष के लिए इस अवधि को और बढ़ा सकता है। मैच्योरिटी के बाद अगर कोई पैसा ना निकालना चाहे तो उस धन राशि पर भी इंटरेस्ट मिलता रहता है। इस अकाउंट को खोलने और चलाने के लिए किसी प्रकार की कोई उम्र की सीमा नहीं होती है। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है कि आप अपने जीवन काल में केवल एक ही PPF अकाउंट खोल सकते हैं। यदि आपने एक से अधिक अकाउंट खोले तो बाद के खोले हुए सभी अकाउंट डीएक्टिवेट माने जाते हैं। आप मिनिमम ₹500 वार्षिक से PPF अकाउंट इन्वेस्टमेंट को शुरू कर सकते हैं। इस प्रकार इस खाते में निवेश करने की न्यूनतम राशि ₹500 है, जबकि प्रतिवर्ष मैक्सिमम लिमिट ₹1.5 लाख निवेश किए जा सकते हैं। सरकार इस लिमिट में बदलाव भी करती रहती है। आप अपने PPF खाते में वर्ष के हर महीने अपनी सेविंग्स में से कुछ धन का निवेश कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो महीने में 2 बार भी पैसा जमा करवा सकते हैं। आप सामान्य रूप से मैच्योरिटी के बाद यानी 15 वर्ष के बाद धन को विथड्रॉ कर सकते हैं। 6 वर्ष पूर्ण होने पर PPF में से कुछ हिस्सा नियमों और शर्तों का पालन करने पर निकाला जा सकता है। अगर आप चाहें तो PPF में अपनी जमा राशि पर लोन भी ले सकते हैं। आप कितना लोन ले सकते हैं यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपने पिछले कुछ वर्षों में कितना धन निवेश किया है। आपके पिछले फाइनेंशियल ईयर में जमा धन राशि का 25% लोन के रूप में ले सकते हैं। सरकार की ओर से PPF अकाउंट इंटरेस्ट रेट हर वर्ष निर्धारित की जाती है। इस ब्याज दर की गणना करके हर साल 31 मार्च को आपके खाते में कॉम्पाउंड इंटरेस्ट रेट के आधार पर हर वर्ष ब्याज आपकी जमा राशि पर जोड़ दिया जाता है। आपको बता दें कि इनकम टैक्स की धारा 80C के अनुसार आप अपनी इनकम में से जितना भी PPF में जमा करते हैं उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। 80C में सभी निवेश मिलाकर मैक्सिमम ₹1,50,000 तक का इनकम पर टैक्स बेनिफिट मिल सकता है। इसके अलावा आपकी जमा राशि पर जो ब्याज मिलता है वो भी टैक्स फ्री होता है। दोस्तों, अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे कई वीडियो लाते रहेंगे।